आज के हम इस म्यूजिक क्लास में कीबोर्ड का बेसिक लेसन सीखेंगे, जिसमें 7 म्यूजिकल नोट्स सा रे ग म प ध नी, ये सारे नोट्स कौन से फिंगर में बजते हैं और कैसे बजते हैं, इसका मैंने PDF वर्जन भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। आज के क्लास में हम प्रैक्टिकल सेशन पर जाएंगे। सा कौन सी उंगली से प्ले होती है ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे, कीबोर्ड पर, सिंथेसाइजर पर, या सभी उसको बोलते हैं कैसियो पर। ठीक है, कहने का मतलब जैसे सा थम से, रे इंडेक्स फिंगर से, ग मिडिल फिंगर से, फिर वापस मा जो थम में लोगे, तो क्रॉस ओवर कैसे होगा, ये पीछे से जाएगा, कैसे उठ के जाएगा, ये आप प्रैक्टिकल सेशन में सीखेंगे। तो चलते हैं हम जल्दी से अपने इस प्रैक्टिकल सेशन पे। इंडियन नोट्स हम लोगों ने सीखा था, सा रे ग म प ध नी सा, इसी को रिवर्स में भी लेना है। फिंगर का फॉर्मेशन सेम वैसे ही होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा था वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होगा, जैसे इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं, सा रे द म प ध नी सा, रिवर्स सा नी ध प म ग रे सा। कीबोर्ड पर उंगलियां कैसी चलनी चाहिए, थंब कहाँ पे होना चाहिए, मा या गा के बाद कैसे फिंगर उठ के जाना चाहिए, ये हमने प्रैक्टिकल सेशन में देखा। इसी चीज़ को आप म्यूजिक में एक टर्म यूज़ होता है अलंकार, जो वोकल के लिए प्रयोग किया जाता है गायकी में। तो गायक लोग जो सिंगर्स होते हैं वो अपने गले को, अपनी वॉइस की क्वालिटी सुधारने के लिए या और इम्प्रूवमेंट करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए उस अलंकार को गाते हैं जिनसे उनकी आवाज़ और मधुर हो जाती है। उसी प्रकार से ठीक जो वादक हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जिन्हें म्यूजिक में अपनी फिंगर्स को प्रैक्टिस पे लाना, स्पेशली हारमोनियम, कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, कैसियो, तो इन सब में वो अगर वो अपनी उंगलियों को प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो इन्हीं अलंकारों का बराबर से अभ्यास करेंगे।